अस्सलाम वालेकुम जी। वाई एस टी नाइन की कैलिब्रेशन, क्विक कैलिब्रेशन स्पीडी, स्केल को ऑन कर लें। सेल्फ टेस्ट मुकम्मल होने में सेल्फ टेस्ट मुकम्मल होने के बाद जीरो आ जाएगा। मैं इधर अपने फ्रेम को भी ज़ीरो कर लूँ। ज़ीरो हो गया, ठीक है। काउंट और ज़ीरो का बटन इकट्ठा दबाएंगे, ये इसकी कैपेसिटी आ रही है, डिवीजन आ रही है, ठीक है। इसकी डिवीजन, ये एक्यू के ऊपर तीर का निशान है, इससे चेंज होगी। हम इसको 20 ग्राम से चला लेते हैं। टेयर के ऊपर एंटर का बटन है, टेयर से एंटर करेंगे। डेसिमल पॉइंट्स आ गए, अपने डेसिमल पॉइंट एक रखना है, दो रखने हैं, तीन रखने हैं, वही एक्यू या तीर के निशान ऊपर की तरह से चेंज होगा। हम इसको 3 कर देते हैं। इसकी कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो ये है कि जो आपने डिवीजन रखी है आपने उसको इससे ज़रब देनी है, यानी कि हमने 20 रखी थी इसकी डिवीजन, तो और 5000 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 × 10 यानी कि हम इसको टेयर जब दबाएंगे तो 100 किलो आ गया। तो ये इसकी बेसिकली तरीकेकार होता है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा होता है डिवीजन के साथ। उस काउंट को आप डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या कैपेसिटी आ रही है। यहाँ पे नो लोड आ गया, नो लोड के बाद आप इसको टेयर कर दें, ज़ीरो रीड कर लें। ज़ीरो रीड करने के बाद आप इस पर एड लोड आ गया, यहाँ पे आप वज़न डाल दें। ये जनाब मैंने वज़न डाल दिया। वज़न डालने के बाद वही तीर के निशान आपकी तरह से, इसको आप वज़न चेंज कर लें। मैं ये कहता हूँ जी मैंने आपके ऊपर वज़न दिया है 50 किलो। टेयर करेंगे, ये रीड कर लेगा, पास आ गया, ये कंप्लीट हो गया। ज़ीरो कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मेरा वेरिएबल थोड़ी तंग कर रही है। ज़ीरो हो गया, उसके बाद हम दोबारा वेट डालेंगे तो वेट आ जाएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।